लिहाजा धर्म और मजहब को समझने की कोशिश कीजिएगा। हिंदू धर्म है, हिंदू मजहब नहीं है। मजहब पैदा होते हैं, मजहब का कोई फाउंडर होता है, मजहब का कोई पैगंबर होता है। धर्म का ना कोई पैगंबर होता है, ना धर्म पैदा होता है। आपका क्या धर्म है? आपका धर्म करवा चौथ मनाना नहीं है, वो आपके उस परंपरा का एक हिस्सा है। हिंदू धर्म और धर्म का मतलब जो लोग उसको किसी पूजा पाठ से जोड़ते हैं, उसमें भी करेक्शन करिए। धर्म का मतलब होता है विज्ञान। आपका पूरा जीवन, पैदा होने से लेके अंतिम संस्कार तक, एक एक चीज हजारों साल पुरानी साइंस पर टिकी हुई है। यह बात अलग है कि हमारी चीजों को लोग यहां से ले गए और उसमें अंग्रेजी का नाम रख दिया और उसके बाद हम कहने लगे ओ यस ऑर्गेनिक फूड खाना चाहिए। यह हमारी प्रॉब्लम है। हमें उस गुलामी ने मानसिक तौर पर ऐसा कर दिया है कि हमें लगता है कि हमारे पास कुछ था ही नहीं, सब कुछ अंग्रेज हमें बताएंगे। लिहाजा विकास का मॉडल बदल गया है कि जब तक आप बेनेटन की शर्ट नहीं पहनेंगे, आप यू आर अप मार्केट आदमी नहीं है। आपके देश में तो अजीबोगरीब होने लगा है, जहां की स्थिति ऐसी है कि 6 महीने ठंडा रहता है, 6 महीने गर्म रहता है, उनकी मजबूरी है कि 6 महीने वो बेचारे कुछ नहीं कर सकते हैं तो खाने को, सब्जियों को कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं, लेकिन हम अंधी दौड़ में शामिल हो गए। इस देश की क्लाइमेट आपके शुद्ध, जो आपका शरीर है, जो आपके मौसम का असर आपकी बॉडी पे पड़ता है, उसी हिसाब से सारी फसलें हैं, सारे खाने हैं, लेकिन आप आलू को कोल्ड स्टोरेज में रख रहे हैं आजकल। कमाल के लोग हैं आप। मां अच्छी खासी जो पराठे के अंदर एक खास किस्म की भुजिया लपेट के देती थी, जो शुद्ध सुबह सुबह 7 बजे ताजी बनता था, वो बच्चा आप 7 दिन पुरानी रोटी के अंदर कुछ क्रीम लगा के ले जाते कि यही पिज्जा है। 7 दिन 8 दिन पुरानी बासी रोटी होती है। तो हमने पता नहीं किस गलतफहमी में, किस आधुनिकता के चलते पिता को पिता कहना छोड़ दिया और अच्छे खासे जिंदा पिता को डैड करें। अच्छा खासा जिंदा है बेचारा, उसको सुबह से शाम मार रहे हैं हम डैड डैड डैड। तो ये एक असर पड़ता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन चीजों का अभाव, इन चीजों से आप कटे तो दुनिया के बौने लोगों ने आपके ऊपर राज किया, लुटेरों ने किया, बलात्कारियों ने किया। और जो लोग आज हमें हमारी परंपरा समझा रहे हैं, हमें इंटॉलरेंट कह रहे हैं, हम इंटॉलरेंट अगर होते तो फिर तुम यहां ना होते। हम नहीं थे इसीलिए गुलाम हुए। हमने दुनिया के बारे में यही सोचा कि जितने आदर्शवादी हम हैं उतने ही तुम भी होगे, लेकिन हमें तुम्हारे आदर्शों का नहीं पता चला था कि तुम्हारे आदर्श क्या हैं। लिहाजा 3 किस्म की संस्कृतियां इस देश में आई, एक जो यहां की थी और 2 बाहर से आई, जो आजकल पूरी दुनिया में हल्ला मचा रही है। भगवान रामचंद्र जी की पत्नी सीता को एक साहब ले गए श्रीलंका। वो वहां गए, किसी की पत्नी को आप ले जाएं और आप सेना लेके पहुंच जाए, थोड़ी देर के लिए सोचिए, अगर हमारे साथ किसी के साथ होता हम क्या करेंगे? या तो लेने नहीं जाएंगे, कहेंगे चलो निबट गए, या तो ये करके छोड़ देंगे। और अगर लेने भी गए हम, तो क्या इतना आदर्शवाद हो सकता है? जिस आदर्शों की पराकाष्ठा पे रामचंद्र जी ने यह काम किया, गए अपनी पत्नी को लाए, उस राज्य का एक तिनका अपने साथ नहीं लाए, उस राज्य की सत्ता उन्हीं को सौंपी और वापस आ गए। ये आपका चरित्र है। आप अपनी पत्नी के बहाने लूटने नहीं गए थे सोने की लंका को, आप छोड़ा है, आपका उसमें इंटरेस्ट था ही नहीं। यहां आए कुछ लोग भारत में, उन्होंने भारत आए और भारत में कुछ लूटा, कुछ भारत की चीजों का इस्तेमाल किया, लेकिन यहां रहते हुए जब वो आए थे तो उन्होंने एक भी मंदिर को तोड़ करके चर्च नहीं बनाया था।
उन्होंने इस देश के जितने भी आर्किटेक्चर उस जमाने के हैं, यहां के लोकल चीजों को, चाहे वो हाथी हो चाहे शेर का मुंह हो, पूरी लुटियन जोन जो बनी हुई है जैसे अंग्रेजों ने बनाया है, उसको देखने से कहीं क्रिश्चियनिटी समझ में नहीं आती। उन्होंने यही की चीजों का इस्तेमाल करके आपको देके चले गए, लेके नहीं गए अपने साथ में, राष्ट्रपति भवन ले गए हों अपने साथ में, कानून चलाने के लिए, अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए मारपीट हुई होगी, गोली चलवाई होगी, वो तो आज भी चलती हैं गोलियां, कोई ऐसा नहीं है कि आज गोलियां नहीं चलती हैं, वो आप कानून का राज स्थापित, वो गलत सही एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन एक तीसरी सभ्यता आपके यहां आई, वो सभ्यता ने आपको लूटा, उस सभ्यता ने आपके धार्मिक स्थलों को तोड़ा, उनका कन्वर्जन किया, और यह स्थिति उन्होंने करी कि जो शब्द इस देश की संस्कृति में नहीं थे, क्या कोई शब्द मुझे आप लोग बताएंगे, सब उससे पढ़े लिखे लोग हैं, डाइवोर्स और तलाक का शब्द हिंदी भाषा में है, हिंदी भाषा में, संस्कृत में तलाक का कोई शब्द है जिसे कहें कि ये ओरिजिनल शब्द है भाई तलाक का, अब आपने उसका ट्रांसलेट करके कुछ बना लिया हो, कोई संबद्ध विच्छेद या कुछ कर लिया हो, ये दोनों शब्द आपकी संस्कृति में नहीं है, क्योंकि आप जिस सभ्यता में जीते थे उसमें यह डाइवोर्स का कंसेप्ट ही नहीं था, उसमें तो आप शपथ लेते थे मरण जीवन भर की, इसलिए आपने ये जो रेप की संस्कृति है जिसे आज कहा जा रहा है रेपिस्तान, 130 करोड़ की आबादी में घटना घटती है तो यहां से लोग लिखते हैं और बाहर तक जाती है खबर, ये इस देश में रेप कल्चर कब से आया, जरा इसको भी पढ़ें। और जो लोग कहते हैं कि देखिए साहब हम आए थे, और एक और झूठ बोला जाता है, ये जो लाल किला ताजमहल ये इस्लामिक आर्किटेक्चर है, तो कोई आप तो सब पढ़े लिखे लोग हैं, सऊदी अरब में, ईरान में, इराक में कौन सा इस्लामिक आर्किटेक्ट है जरा मुझे दिखाएं, कौन सा इस्लामिक आर्किटेक्चर की बात हो रही है जो भारत में बताया जा रहा है, आपने यहीं के लोगों को, यहीं के लोगों से सारे मंदिरों को तोड़ के ऊपर की गुम्बद बना दी और कहा कि साहब देखिए इस्लामिक आर्किटेक्चर, 30,000 मंदिरों को तोड़ा, तो आप जिस पर्शियन की बात कर रहे थे जिनको आप लोगों ने अपने यहां शरण दी मात्र 79 ही की तो बात है, 79 के अंदर वो ईरान जिनको कुछ लोगों को आप जो गलती पूरे देश में आपने की है पिछले 1,000 साल में जिसका खामियाजा आप भुगत रहे हैं, अब आपके लिए गली गली मोहल्ले मोहल्ले हर जगह कश्मीर बन गया है, ईरान ने भी यह गलती की थी, कुछ लोगों को शरण दी थी, आज वहां से पारसी खत्म हो चुके हैं, इस्लाम का झंडा बुलंद हो रहा है, यह पूरी दुनिया में चल रहा है, लिहाजा आर्टिकल 370 और 35 ए पे मेरा कहना अभी भी यह है आपसे कि आप खुश हो, इसको खूब प्रचारित भी करें, अभी बीजेपी के कुछ लीडर्स ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया, मैं अग्री नहीं हूं, मैं उसको बलिदान नहीं मानता, एक ऐसा शख्स जो अब नहीं है उनकी शान में मेरी कोई गुस्ताखी हो जाए मुझसे वो मैं नहीं चाहता, हम 70 साल के बाद भी सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में मौजूद है, आज भी हम झूठ बोलते हैं कि बलिदान दिया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या की गई जेल में, हत्यारे मौजूद हैं, वो लोग मौजूद हैं आज की आज भी इस दिल्ली के अंदर, हम ये नहीं कहते बलिदान क्या होता है, जेल में रखा और उस कॉन्स्पिरेसी में बहुत सारे लोग शामिल हैं जो दिल्ली में टहलते हैं, सच तो बोलिए भाई आप, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया एक कॉन्स्पिरेसी के तहत, उस वक्त के तमाम लीडर जो कश्मीर में जिंदा हैं मौजूद हैं वो लोग, इसलिए मैंने सिर्फ ये कहा जो मेरी आपसे अपील है इनसे अपील नहीं है, नहीं मैं देखिए मैं जब बार बार कहता हूं कि इनसे अपील नहीं है तो आप इनको यह मत मानिए कि इनसे कोई मेरी नाराजगी है, मैं चाहता हूं कि ये 5 साल वहां रहें, इन पे सवाल ना उठे, इसलिए मैं चाहता हूं, मैं नहीं चाहता कि ये अपने मुंह से कोई बात ऐसी कहें, उसके लिए मैं ही काफी हूं, मेरी मांग है और ये चौथी सभा है जिसमें मैं ये कह रहा हूं, इसको इशू बनाइए, 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर
अपॉइंट होगा। आप तो थोड़े बहुत और बहुत ज्यादा समझदार हैं, लेकिन आपके राज के अलावा मुझे अपनी बात कहकर के फिर उसकी और एनालिसिस करनी पड़ती है, तब समझ में आता है। ज्यादातर लोग ट्यूबलाइट हैं। एक मंच पे खड़े होकर के कम शब्दों में ज्यादा बात कहनी चाहिए, कोई यहां लंबा पाठ नहीं हो रहा, लेकिन उसमें भी लोगों को फिर मुझे बताना, फोन करके कहते हैं इसका मतलब क्या है। अब इस पर बड़ी मेरी दिक्कत है। 31 अक्टूबर का दिन जानबूझ के चुना गया है, उस दिन सरदार पटेल का जन्मदिन है। और जब इतिहास लिखा जाएगा तो जिस सरदार पटेल को कश्मीर से दूर रख करके कश्मीर का ऑपरेशन नेहरू जी ने किया, आज उसी सरदार पटेल की धरती से निकले हुए एक दूसरे आदमी ने उसका ऑपरेशन कर दिया है। तो एक साथ दो चीजें इतिहास में लिखी जाएंगी, और इस इतिहास लिखते वक्त खास तौर से 370 और 35 ए पे, माफ कीजिएगा मैं बहुत ब्लंट आदमी हूं, इस पे जब भी इतिहास लिखेगा, और ईमानदार लोग लिखेंगे, बेईमान तो बहुत लोग हैं, चापलूस भी बहुत लोग होंगे, ईमानदाराना इतिहास लिखा जाएगा तो ध्यान रखिएगा लोग मोदी को कम अमित शाह को ज्यादा याद रखेंगे। यह बात अलग है कि जो कुछ लोकसभा में किया उसकी प्रैक्टिस पहले हो चुकी थी आरसीआर के अंदर, वो तय हो चुका था स्क्रिप्ट, लेकिन जिस खूबसूरती के साथ, जिन तथ्यों के साथ, जिस एग्रेसिवनेस के साथ देश देखना चाहता था अपने गृहमंत्री, और उसी डिस्कशन में जिस बात को पिछले 3 साल से बार बार रिपीट करता था मैं, तो सोचता था कि कोई इसको ऐसे प्लेटफॉर्म से कहे जिनकी लोग सुनते हैं, एक पूरा स्टेटमेंट याद कीजिए लोकसभा की उस स्पीच का। उन्होंने कहा कि हम पीओके भी लेंगे, हम अक्साई चीन भी लेंगे। जानते हैं इसके पीछे का एक घटना क्या है? जब उन्होंने यह कहा तो बहुत लोगों की यह समझ नहीं आया कि इस आदमी ने गया, वो बेचारा पहली बार है पार्लियामेंट, लेकिन रिकॉर्ड उसने 70 साल का पढ़ लिया। इसलिए मैंने कहा कि यह काम समाज को करना चाहिए, इन बेचारों के पास समय नहीं है, सब कुछ ये नहीं करेंगे, इनको कुछ कुछ चीजों के लिए आप रिलैक्सेशन दे दें। बहुत सी चीजें हैं जो समाज को उठानी है, और समाज जब उठाएगा उसका दबाव होगा, मुझे मालूम है कि पूरी संसद हिल जाएगी समाज के प्रेशर के सामने। आपके अंदर वो ताकत पैदा कीजिए, आपने ये पैदा नहीं की तो 5% 6% 16% ये वो मिला करके एक सरकार बनती थी, और उसमें अजीबो गरीब किस्म के लोग प्रधानमंत्री बनते थे, कोई सो जाता था, कोई जगा रहता था, किसी का पता ही नहीं था ये कब जाता है कब आता है। तो मेरा कहने का यह है कि सच्चाई नहीं थी, इसलिए आपको वैसे ही कानून मिल रहे थे। एक साहब प्रधानमंत्री बने, वो पड़ोसी मुल्क से आ गए थे, वो प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कहा कि नहीं अरे हम तो शांति प्रिय देश है, तो हमें ये रॉ की जरूरत ही नहीं है जो विदेशों में हमारी खुफिया एजेंसी काम करती है। उन्होंने उसको ऑफिशियली डिसमेंटल कर दिया। यानी लोग अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग पर देश चलाते हैं यार। लिहाजा जी सर, मुझे बड़ी खुशी है किस महान आत्मा को आप लोग याद रखिए, ऐसे लोगों को याद रखिए। कुछ लोगों को इसलिए याद रखना चाहिए, इतिहास का मतलब यह है कि इतिहास में ऐसी घटनाओं का इसलिए याद रखना चाहिए कि आपको कदम कदम पे ध्यान रहे कि जो गलती हमने की है हम न दोहराएं। सिर्फ इसका इतिहास का इतना ही मतलब है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन।